अच्छा बस ठीक है, बस ठीक है। अच्छा नहीं 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 ठीक है, वो सरकारी हैंड आउट ठीक था। सर मेरा पीए भी जरा ना आगे बाद नहीं नहीं आप ठीक ठाक हैं सारे, तो बस फिर वो सरकारी हैंड आउट जो है वो मिल जाएगा, मेहरबानी है आपकी बस, ठीक है ना जनाब। हुक्म करें जी, हुक्म करें, हुक्म करें। नहीं वो एजुकेशन का तो हैंड आउट मिल जाएगा, कोई और बात पूछनी है तो पूछ लें। देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहली बात तो ये है कि ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट में, स्कूलों के अंदर ग्राउंड्स की आइडेंटिफिकेशन भी हो रही है, जिस तरह मुजफ्फरगढ़ में भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है, और इसके अंदर स्कूल में किस स्कूल के अंदर क्रिकेट ग्राउंड बन सकती है, किस में हॉकी फुटबॉल और उस तरह लेके टेबल टेनिस तक मतलब बास्केटबॉल, तो जहाँ पर जितनी जगह अवेलेबल है उस हिसाब से हम वो एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर जहाँ पर हम अपनी स्कूलों की हालत को बेहतर कर रहे हैं वहाँ पर अब हम स्कूल चैम्पियनशिप भी जो है पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर हम एक MOU साइन कर रहे हैं जिसके तहत फिर हम इन तमाम स्कूलों के अंदर जो जिस तरह महजब माशरों में होता है स्कूल चैम्पियनशिप्स का आगाज़ करेंगे, और इनका हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करते हुए डिविजनल लेवल और फिर इसको प्रोविंशियल लेवल तक जो है, और इसके अंदर आप देखिएगा कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की वो जो है एक एक्टिविटी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें ग्रेजुअली अल्लाह के फजल से मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि पंजाब के अंदर जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो 2008 से लेके जो 2016 तक का बजट जो इस साल का हमने दिया है तो एजुकेशन के बजट में जो इंक्रीज़ नज़र आती है वो 490% नज़र आती है। ये इतनी फिनोमिनल इंक्रीज़ है कि ये किसी और सेक्टर के अंदर मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ अब जो हमारे स्कूलों में बच्चे 2008 के अंदर थे वो 85 लाख के करीब थे, अब हमारे स्कूलों में 1.25 करोड़ बच्चा आ रहा है। तो ये पब्लिक सेक्टर सिस्टम के ऊपर जो है अवाम का एतमाद है, और इसीलिए हम इस साल 36,000 नए क्लासरूम बनाने जा रहे हैं जिसके ऊपर 400 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। हम डेंजरस बिल्डिंग्स जो हैं 8 अरब हमने पिछले साल रखा था, 8 अरब हमने इस साल रखा है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई बिल्डिंग जिसको क्रिटिकली डेंजरस करार दिया गया वो बिल्डिंग उस तरह नहीं रह जाएगी। और फिर हमारा ये है कि कोई प्राइमरी स्कूल जो है उसमें पहले तो होता था कि एक टीचर और दो टीचर, हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 4 टीचर होंगे। तो ये इसके लिए हम 80,000 नए टीचर की भर्ती करने जा रहे हैं। और प्लस अब ये भी एक फैसला हुआ है कि यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि वो बच्चियाँ जो स्कूल जाती थीं उनको 200 रुपया दिया जाता था ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, इस साल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वो अमाउंट बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दिए। तो और ये जो गर्ल्स स्टाइपेंड है, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चियों को जब तक हम तालीम नहीं दिलवाएंगे, बच्चियां तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं होंगी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो ये ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड के नाम से चीफ मिनिस्टर का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जहाँ पर ये जो 36,000 क्लासरूम हम दे रहे हैं, जहाँ पर हम 80,000 टीचर दे रहे हैं, वहाँ पर उससे बड़ा जो है वो ये है कि स्कूल में जाने वाली बच्चियों को 1,000 रुपया दिया जाएगा। इसके साथ साथ कोई यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं रह जाएगी जिसमें लड़कियों का हाई स्कूल ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिया है कि कोई यूनियन काउंसिल पंजाब की ऐसी नहीं रह जाएगी जहां पर हाई स्कूल बच्चियों के हवाले से ना हो। और हम जो अपग्रेडेशन रेगुलर कर रहे हैं, हम जो मिसिंग फैसिलिटीज़ पर काम कर रहे हैं, इस साल इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और पूरे पंजाब के अंदर कोई स्कूल बाउंड्री वॉल के बगैर नहीं रह जाएगा। इसी तरह जो हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम्स और फर्नीचर की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इस साल हमने 400 करोड़ रुपया रखा है कि जो ऑफ ग्रिड स्कूल हैं उनको सोलर जो सोल्यूशन है उसके ज़रिए हम इन स्कूलों के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इसमें जो एक और जो बड़ी मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप बाकी सूबों के साथ मुकाबला करें तो KPKA के अंदर जो यूटिलाइजेशन है फंड्स की वो 43% है, हमारे यहाँ पर 100% यूटिलाइजेशन है। मतलब हमारे एजुकेशन के साथ
हमारी जो कमिटमेंट है कि हम ना सिर्फ बड़े बड़े मंसूबों को लेकर आ रहे हैं, नए नए इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर रहे हैं, बल्कि फिर उसके ऊपर जो पैसा मुख्तस किया जाता है उसके ऊपर हमारी यूटिलाइजेशन भी 100% है। तो मेरा ख्याल काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।